नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में सर्व प्रयास सीता रसोई ट्रस्ट एवं मिलन विहार समिति द्वारा मंडल स्तरीय राष्ट्रवादी पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। रविवार को कंपनी बाग स्थित सेनानी भवन में पत्रकार सम्मान समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बताया कि पत्रकार हमारे समाज का आईना होते हैं। विशेष अतिथि डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस के पंकज सक्सेना एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह बब्बू, जिला कारागार के वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक वीर सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धवल दीक्षित मिलन विहार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, सीता रसोई के अध्यक्ष उदय भान सिंह संचालन कर रहे, सुधांशु कौशिक एवं दीपक गुप्ता संस्था के मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा, महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह, संस्था के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवीर सिंह, कार्यक्रम संयोजक अनिल सक्सेना, मंडल मंत्री दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष संस्था के इंद्रपाल पासी सहित व्यवस्था में रूपचंद मित्तल सहित संस्था के सभी लोग उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित 150 पत्रकारों का अंग वस्त्र प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष उदय भान सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पत्रकार भाई निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो वहां पहुँच करके अपने कवरेज देते हैं। कवरेज के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। लोगों को आज यहां पर बुला करके हमने उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया, साथ ही साथ सीता रसोई के माध्यम से शानदार भोज का भी आयोजन किया गया। हमारे समाज से भी हमारे आज का ये कार्यक्रम जो मिलन विकास सम्मेलन बिहार विकास समिति और सर्व प्रयास सीता रसोई ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए ये स्वागत का कार्यक्रम है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। एवं यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें मैंने पर्सनल वहां जाकर ज्वाइन करा था, अटेंड करा था। प्रोग्राम सबको मैं यूपी में होने के नाते सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो उनके कार्य सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां आए थे। अंबानी जी ने भी 70,000 करोड़ इस साल यूपी को देने की घोषणा की है, उसी के नाते मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं समिति के अध्यक्ष जी शर्मा जी, सुधांशु कौशिक जी, अनिल सक्सेना जी और सर्व प्रयास सीता रसोई के संस्थापक उदय भान सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने आज हमारे समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे इस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस संस्था के सभी मेंबर्स को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा जो काम इस समाज के लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम पत्रकार बंधुओं के द्वारा बहुत ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।